वेलकम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का 1.1 एक्सरसाइज, और इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, और जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए मैंने आपके लिए ऐसा किया है। ओके, तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ जो बेसिक्स है उन्हें जान लेना है, जिससे हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1 का वो हम इजीली कर पाए। ओके, यहाँ पे जो इसका बेस है 1.1 का मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने कि वो ट्रू है या फॉल्स, और इसमें आपको ग्रामेटिकल सेंटेंस दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, आपको यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस और यहाँ पे आपको कमांड ऑर्डर टाइप के सेंटेंस जो है दिए जाएंगे। यहाँ पे इसका ये सेकंड टाइप हो गया और यहाँ पे इसका फर्स्ट हो गया, और हम थर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे ओपन सेंटेंस। मैं आपको यहाँ पे ओपन सेंटेंस के बारे में थोड़ा गहराई से बताना चाहूँगा। ओपन सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो दो साइड के हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इसके एग्जांपल्स हैं उसके थ्रू हम समझेंगे वीडियो में। या फिर जो फोर्थ टाइप है कमांड एंड ऑर्डर, जो एक ग्रामेटिकल सेंटेंस है। कमांड ऑर्डर सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे जो फोर है आपको इसे याद रखना है, और ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत ही यूज़फुल होने वाले। तो चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया गया है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अ स्टेटमेंट जस्टिफाइन केस ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला गया है हमें आइडेंटिफाई करना है कि नीचे ही दिया गया स्टेटमेंट है कि नहीं, है तो उसका स्टेट इट ट्रूथ वैल्यू, उसका हमें ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो हमें 5 + 4 = 13 दिया गया। ओके, तो एक मैथिकल के थ्रू से देखा जाए तो ये राइट है, तो यहाँ पे इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। बट अगर यहाँ पे इसका एडिशन करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो 5 + 4 = 13। यहाँ पे अगर हम इसका एडिशन करके देखते हैं 9 = 13, एक रॉन्ग है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आपको कैसे लिखना है, ओके तो आपको लिखना है यहाँ पे इट इज अ स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है इट इज अ स्टेटमेंट विच इज क्या लिखना है। यहाँ पे हमने करके देखा ये फॉल्स है, मतलब गलत दिया गया है। तो ये पे लिखना है विच इज फॉल्स। ओके, आपको यहाँ पे सिंपल है ऐसे दो लाइन लिखना है, और इसका जो हमें यहाँ पे बोला गया ट्रूथ वैल्यू लिखने के लिए, तो यहाँ पे आपको थर्ड सेंटेंस में लिखना है इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ओके, यहाँ पे आपको एफ ऐसे करके लिखना है सिंपल। और हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पे x - 3 = 14, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था ओपन सेंटेंस के बारे में जो दो साइड्स के हो सकते हैं, x - 3। ओके, अगर हम x को 17 से माइनस करते हैं, हम मानते हैं जो x है वो 17 है, यहाँ पे हमें 14 मिलेगा। अगर हम उसको 15 से माइनस कर दे तो हमें 14 तो नहीं मिलेगा, इसलिए क्या ओपन सेंटेंस। ओके, तो हम लिखेंगे आंसर में इट इज अ ओपन सेंटेंस। ओके, हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज अ ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। यहाँ पे एक ओपन सेंटेंस दिया है कि इसीलिए
एक स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, हमें ये वो क्वेश्चन बोला गया है, अगर स्टेटमेंट है तो ही उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। ओके, अब हम नीचे का नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है क्लोज द डोर, तो यहाँ पे ग्रामेटिकल सेंटेंस है। ओके, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, एक स्टेटमेंट नहीं है, एक एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे, इट इज कमांड। ओके, देयर टोल्ड क्लोज द डोर, क्या है कमांड है, इट इज अ कमांड। यहाँ पे आपको ऐसा सेम लिखना है, देयर फॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, सिंपल। आपको यहाँ पे इसमें दो लाइन लिखनी, इसमें भी ऐसे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं जी, तो जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, बट क्या है, फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसे ऐसा, इट इज अ स्टेटमेंट। ओके, और नेक्स्ट लाइन विच इज, ये सही है कि गलत, एक गलत है ना, तो विच इज लिखेंगे फॉल्स, और देयर फॉर इसका हमें ट्रुथ वैल्यू लिखना है, इट्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स का एफ, ऐसे करके लिख देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाला, प्लीज़ गेट मी ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे भी एक टाइप का रिक्वेस्ट किया गया है, भी एक ग्रामेटिकल सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम इसे ऐसा लिखेंगे, इट इज अ रिक्वेस्ट। ओके, इट इज अ रिक्वेस्ट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, सिंपल। यहाँ पे आपको दो लाइन लिखनी है, आपको इसमें 1 मार्क, ये जो हमें सब क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं उस पर हमें 1 मार्क कैरी होते हैं, तो हमें ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है। ओके, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। देखो, जो सिमिलर ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहते, बट जो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं। मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि देखिए एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे हमने एक सिमिलर ट्रायंगल बनाया, ये इसके इक्वल है। सी, देखो दिस कॉन्ग्रुएंट दिस दिस दिस, ओके, एंड दिस दिस, जो इसके एंगल रहेंगे वो भी इससे मैच करेंगे, तो यहाँ पे ये हो सकता है। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रहते हैं वो क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दिया गया है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तो हमें लिखना है इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू। ओके, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू का क्या लिखेंगे, टी। ओके, फॉल्स दिया रहेगा तो एफ लिखेंगे कैपिटल, ट्रू दिया रहेगा तो कैपिटल टी लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये तो हो सकता है, बट एक ओपन टाइप का क्वेश्चन है, हम जानते हैं कैसे। ओके, यहाँ पे मैं अपने रफ बुक पे आपको दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो इसे मैं पहले प्रूफ कर देता हूँ। ओके, तो अगर हम मानते हैं जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये सही है, हाँ भी 1 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर सही है। अगर इसके जगह पे हम 2 ले लेते हैं, एक्स 2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4,
यहाँ पे सेम नहीं हो रहे ना, तो एक ओपन टाइप का सेंटेंस है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर में, इट इज अ ओपन सेंटेंस। ओके, इट इज अ ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट नहीं तो उसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं लिखनी वगैरह। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी तक अपना क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है। यहाँ पे हमारा जो 8th वाला क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक रूट क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा जो क्वाड्रेटिक रूट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया जो क्वाड्रेटिक रूट है उसके दो रूट से ज़्यादा जो आंसर मतलब नहीं आते, ऐसा क्वेश्चन क्या हो, उसे हमें आइडेंटिफाई करना ट्रू है कि फॉल्स। तो सिंपल, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसका हमें एक्स और एक्स ऐसा सिमिलरली दो आंसर आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है। ओके, तो ज़्यादा हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और इसका रूट देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि इसके कितने आंसर आते हैं। तो सिंपली अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी, ओके, तो यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे सिमिलर हो गए, मतलब इसके भी दो आएंगे। यहाँ पे अगर मैं अलग लिखता हूँ, देखते ए क्यूब प्लस बी प्लस सी, सिंपल आपको ये देख के आइडेंटिफाई करने हैं जो इसके आंसर रहेंगे वो थ्री रूट्स में आएंगे। ओके, तो सिमिलरली तो हम यहाँ देख लेते हैं जो इसके आंसर है, लिखते हैं एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट। विच इज ट्रू, ओके, विच इज ट्रू एंड देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, कैपिटल टी। ओके, कैपिटल टी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। यहाँ पे इंटरोगेटिव का साइन है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। ओके, यहाँ पे इससे पता चलता है कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसकी एक आइडेंटिटी है क्वेश्चन मार्क। तो हमें आंसर सिंपली लिखना है यहाँ पे, इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, यहाँ पे लिखना है इट इज़ अ इंटरोगेटिव सेंटेंस विच इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे सिंपली आपको ऐसा लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द सन सेट्स इन द वेस्ट। मैं यहाँ पे सिंपली दिया है द सन सेट इन द वेस्ट, हम जानते हैं भाई सन डूबता है वेस्ट में, तो यहाँ पे लिखना है इट इज अ स्टेटमेंट। सही है स्टेटमेंट, तो सिंपल विच इज ट्रू। ओके, विच इज ट्रू, यहाँ पे देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, सिंपल। ओके, ये सबसे इजी स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ऑल रियल नंबर आर होल नंबर। तो यहाँ पे आपको पहले पता रहना चाहिए कि रियल नंबर और होल नंबर होते क्या हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो सिंपली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको रियल नंबर और होल नंबर लिख के दिखा देता हूँ ये एक्चुअल में होते क्या है। तो इसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2,
और यहाँ पे इसमें जो रूट में जिसके आंसर आता है, जैसे कि रूट फोर हो गया, रूट 64 हो गया, और यहाँ पे जो अपॉन में आते हैं जैसे 2/3, ओके, यानी थे यहाँ पे रूट में जो आते हो, ये सब जो है क्या है, सब होल रियल नंबर है। तो फिर होल नंबर क्या होता है सर, देख लेते हैं। होल नंबर होते हैं 1, 0, 1, 2, 3, 4, ओके, ऐसे ही कंटिन्यू होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना है, देखते हैं। ऑल रियल नंबर आ होल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर होल नंबर होते हैं क्या, जो रियल नंबर है वो होल नंबर होते हैं क्या? यहाँ पे अगर होल नंबर रियल हो सकता है, पर रियल नंबर होल नहीं हो सकता। ओके ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। ओके, और हम यहाँ पे इसके ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे, इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ। ओके, फॉल्स रहेगा तो एफ, कैपिटल एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, कैन यू स्पीक इन मराठी, तो मला मराठी का। ओके, यहाँ पे पूछा है कैन यू स्पीक मराठी, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक इंट्रोगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। तो लिखेंगे इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको सब में ऐसे ही करना है, अगर वो इंटरोगेटिव है तो सिंपल। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, x²-6x-7=0 व्हेन x=7। तो यहाँ पे इसे हमको पहले सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो ओके, यहाँ पे हम इसका पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x²-6x-7=0 एंड हमें जो x की वैल्यू दी गई है 7, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और 7² यहाँ पे इसकी वैल्यू 7-7=0। ओके, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे 49-6 42-7=0। यहाँ पे 49-42 करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, यहाँ पे प्लस के साइन के साथ आएगा, -7=0। जब 0=0 तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो एक मैथिकल मैथ स्टेटमेंट है। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू। ओके, विच इज ट्रू, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू है तो टी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ओके, अगर 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा तो आपको ये समझ जाएगा। यहाँ पे मैं इसका जो फॉर्मूला वो लिख के दिखा देता हूँ आपको, w+1=0। यहाँ पे इसमें सिंपली कहा गया जो इसका यूनिटी मतलब है इक्वल्स टू इज 0 वहाँ पर लिखा है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, तो सिंपल, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू। ओके, सिंपल, जैसे हमने ऊपर किया था वैसा हम नीचे भी करेंगे, देयरफॉर इट्स ट्रूथ
वैल्यू इज टी, ओके। यहाँ पे हमें ऐसा लिखना है, कैपिटल टी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन दिया गया है, इट रेनी हैविली, ओके, इट्स रेन हैविली। तो यहाँ पे हम, अगर आपको कोई जैन में बोल दिया कि भाई बारिश हो रही है बहुत ज़ोरदार, तो आप क्या मान लेंगे? इंडिया में इस टाइम बारिश नहीं होती, ओके। अगर आपको यही चीज़ जून में या अगस्त में बोला जाए, तो आप सिंपली, यहाँ भी अभी बारिश हो रही होगी, ओके। तो ये एक एक ओपन टाइप का सेंटेंस है, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ ओपन सेंटेंस, ओके। यहाँ पर इट इज़ अ ओपन सेंटेंस, इट इज़ नॉट अ नॉट अ स्टेटमेंट, ओके, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करने के पहले हमें इसका बेस समझ लेना है, जिससे क्वेश्चन नंबर टू में बहुत ही इजी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट लिखे, ये सब साइन आपको याद करने हैं, तो मैं सिंपली एक एक करके आपको समझा देता हूँ। एक इसके साइंस है, ये निगेशन है, यहाँ पे नॉर और नाइदर भी आता है तब इसका यूज़ होता है, और नॉट भी रहता है तो भी इसका यूज़ होता है, अगर उस साइड नेगेटिव रहता है तो यहाँ पे इसका ये निगेशन का साइन है, इसका यूज़ होता है, ओके। यहाँ पे सेकंड एंड बट, ओके, एंड बट उसका उल्टा भी रहता है। यहाँ पे थर्ड और का जो साइन रहता है वो वी टाइप रहता है, और एंड के इसका उल्टा ही अपोजिट रहता है, ओके। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पे दोनों में ध्यान रखना, और के लिए वी रहता है एंड बट के लिए उल्टा वी रहता है, ओके। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉरी फोर्थ देखते, इफ देन के लिए यहाँ पे एक एरो रहता है, एक एरो सिंपल, ओके, एक सिंपल एरो रहता है। और यहाँ पे उसके नीचे फाइव, इफ़ एंड ओनली इफ के लिए बोथ साइड एरो रहता है, ओके। मैं क्वेश्चन में बताते रहूँगा, बट आपको यहाँ पे याद रखना है, जिससे कि अगर आपको याद हो गया तो आप सिंपली जो क्वेश्चन से मैं आपको बताऊँगा वो बाद में आप सॉल्व करेंगे तो आप सिंपली कर लेंगे। ये पूरा क्वेश्चन से आगे का क्वेश्चन नंबर 2.1 का, तो आप इसके थ्रू ईजीली कर सकते, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, मतलब यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट दिए, दो स्टेटमेंट अलग कंपाउंडली दिए गए, इसको आपको सिंबॉलिकली देना है। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में डबल एल दिया गया जो कि मिस्टेक है, आप प्लीज़ उसे क्लियर कर ले, तो आपको कभी मिस्टेक हो सकती है, ओके। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, जैसे नागपुर जो महाराष्ट्र में, चेन्नई का तमिलनाडु, ओके। यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे, लेट पी, यहाँ पे आपको यहाँ से महाराष्ट्र तक, नागपुर से महाराष्ट्र तक और चेन्नई से तमिलनाडु तक पी क्यू का फॉर्म में इसे लिखना है। देखिए आपको लिखना कैसे, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ओके, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। और क्यों में लिखना है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ओके, सिंपल तमिलनाडु। यहाँ पे आपको इस लिख दिया, यहाँ पे सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखना है, तो आपको इसके बाद लिखना है इट्स सिंबॉलिकल फॉर्म इज, ओके, सिंबॉलिकल फॉर्म इज पी क्यू पी। वहाँ पे आपको पता रहना चाहिए एंड का क्या हो जाएगा, क्यू एंड का हो जाएगा, ओके, एंड का साइन यहाँ पे क्यू, ओके। तो इसका जो सिंबॉलिकली था आपको यहाँ तक ही करना है, सिंपल।
यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलियस। तो क्या यहाँ पे हम लेट करके करना है, लेट पी क्यू, ओके, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलियस। ट्रायंगल इज आइसोसेलियस, सिंपल। अब यहाँ पे इसका सिंबॉलिकली फॉर्म आपको जो जो मैंने लिखा है आपको याद रहना चाहिए, तभी आपको सिंपल कर, मैंने और का आपको बताया था, जो और का वी शेप का साइन यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं हमें सिंबॉलिकली, फॉर्म इज, यहाँ पे आपको सिंपल पी लिखना है और का साइन, ओके, और क्यू। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ से 3 करते हैं। द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ, ओके, इफ एंड ओनली इफ को जो साइन है आपको याद रखना, सिंपल जो मैंने अभी बताया उसके सॉल्व होगा, इट मेजर्स 90 डिग्री। ओके, तो आपको लिखना है लेट्स पी, तो पी आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। द एंगल इज राइट एंगल, द राइट एंगल इज राइट एंगल, और यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ लिखना है क्यू में, इट्स मेजर 90 डिग्री, सिंपल को ऐसा लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है नेक्स्ट सिंबल निकल इसका फॉर्म, इट्स सिंबॉलिकल फॉर्म इज, ओके, पी क्यू, पहले आप पी लिखते हैं। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का साइन क्या था मैंने आपको बताया था, बोथ साइड एरो, ओके, बोथ साइड एरो क्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, ओके, तो यहाँ पे नाइदर और नॉर, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बताता हूँ, आपको लेट करना है, लेट्स पी, ओके, पी, यहाँ पे लिखना है आपको एंगल इज अक्यूट, एंगल इज अक्यूट, यहाँ पे आपको नॉट का यूज नहीं करना है इसमें लिखते समय, एंड क्यों लिखते हैं, एंगल इज ऑब्ट्यूस, नॉट ऑब्ट्यूस, ओके, यहाँ पे भी इसमें भी नॉर दिया गया है, आपको ये ध्यान रखना है, लिखना है एंगल इज ऑब्ट्यूस, ओके। तो यहाँ पे आपको उसके बाद लिखना है इट्स सिंबॉलिकल फॉर्म इज, सिंपल, एंगल इज नाइदर ऑक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, यहाँ पे नाइदर यहाँ पे नॉर जो नॉट का काम कर रहे हैं, ओके, तो नॉट के लिए हमें निगेशन लगाना पड़ेगा, पी इसके साथ नॉट दिया गया है, तो यहाँ पे हम निगेशन पी लिखेंगे, और यहाँ पे आपको जब भी ऐसा नाइदर और नॉर रहे तब आपको यहाँ पर एंड का साइन लगाना है। तो यहाँ पे नाइदर नॉर है तो यहाँ पे हम लगाएंगे एंड का साइन, ओके, और यहाँ पे इसके साइड भी नॉर दिया गया है, मतलब यहाँ पे भी नॉट का यूज़ किया गया, तो हम इसके साथ भी निगेशन लगाएंगे नॉट, ओके, तो सिंपल यहाँ पे इतना का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल एट बी, देन मेजर्स एंगल ए प्लस मेजर्स एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें देखना इफ एंड देन का यूज़ किया गया, इफ देन का जब यूज़ किया गया तो हमें सिंगल
एरो एक साइड लगाना है। ओके, तो अब हम लिखेंगे लेट पी, यहाँ से यहाँ तक हम लिखेंगे। ओके, एंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। ओके, यहाँ पे हम क्यू लिखेंगे, यहाँ पे हम मेजर एंगल से 90 डिग्री तक लिखेंगे। मेजर्स एंगल ए प्लस मेजर्स एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे हम सिम्बॉलिकल फॉर्म करेंगे, इट्स सिम्बॉलिकल फॉर्म इज, यहाँ पे मैं पी क्यू, यहाँ पे इफ देन, जैसे मैंने अभी बताया सिंगल एरो, मैंने पहले बताया था आपको, पूरे साइंस एक्सप्लेन किए हैं। ओके, तो हम पी सिंगल, यहाँ पे सिंगल एरो क्यू। ओके, यहाँ पे हमारा इसका भी सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फर्स्ट, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे आपको आपका साइन बताते हैं। ओके, आपको हर सेंटेंस में आपको साइन के लिए वर्ड दिए है, तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे लेट पी हिमा दास विन गोल्ड मेडल। ओके, यहाँ पे क्यू में लिखेंगे हम शी रन्स फर्स्ट, शी रन फर्स्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स सिम्बॉलिकल फॉर्म इज, इट्स सिम्बॉलिकल फॉर्म इज, लिखेंगे यहाँ पे पी, यहाँ पे हम इफ देन ओनली इफ है, तो मैं बताया था आपको डबल एरो, यहाँ पे हम पहले भी एक क्वेश्चन इसका सॉल्व किया है। ओके, डबल एरो और ए क्यू, इसका सिम्बॉलिकल फॉर्म इसका यहाँ पे। ओके, तो आप उसे ब्रैकेट बनाते हैं, हमारा मेन सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है एक्स इज अ नॉट इरेशनल नंबर बट इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ओके, इस सेंटेंस में हम ध्यान देंगे हमारा जो साइन का काम कौन करेगा, यहाँ पे बट रहेगा, जो एंड अब बट रहता तो उसके लिए उल्टा वी रहता। ओके, तो यहाँ पे आंसर इसका सॉल्यूशन करते लेट पी। ओके, लिखेंगे हम एक्स से लेके यहाँ नंबर तक। ओके, एक्स इज नॉट, यहाँ पे सिंपल मैंने आपको बताया था नॉट, यहाँ पे हमें जो नॉट है नहीं लिखना है। एक्स इज इरेशनल नंबर। ओके, यहाँ पे जो मैं नॉट लिखने के मिस्टेक कर रहा था, आपको नहीं करना, तो सिंपल आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन में नॉट है जो कैरी नहीं करना, और यहाँ पे क्यू में लिखना है इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ये इंटीजर का स्क्वायर है, तो सिंपल हमें लिखना है यहाँ पे इट्स सिम्बॉलिकल फॉर्म इज। ओके, यहाँ पे सिंपल पी एंड और बट का उल्टा वी रहता है, यहाँ पे बट दिया गया है, दोनों सिमिलर साइन है, यहाँ पे क्यों, तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। ओके, और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर थी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी मैं डाल दूँगा। ओके, तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।